हाँ ठीक है सर, थैंक यू ओके ओके जी। बताइए और कोई कुछ पूछना चाहता है? अश्विनी भाई आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी जितिन जी स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच जितेंद्र जी। रवि अंकल जी, आपसे एक सवाल था। जैसे हाँ, मिल्क बेस बनाते हैं, जैसे मिल्क बेस्ड बनाते हैं आइसक्रीम का, तो उसके कॉम्पोजिशन क्या होते हैं? एक स्टैंडर्डाइज करते हैं ना एक चीज को, फिर उसके बाद उसके ऊपर फ्लेवरिंग डालते हैं, तो उसका कॉम्पोजिशन कहाँ से मिलेगा हमारे को? मतलब किस चीज का? मिल्क, फैट, MSNF, शुगर और टोटल सॉलिड और वाटर का जो एक कॉम्पोजिशन होता है ना, कि अगर इस फैट में 5% फैट में है तो आपको इतना शुगर डालना चाहिए, या अगर 10% फैट है तो इसमें इतना शुगर डालना चाहिए। मिक्स का कंपोजिशन बोल पूछ रहे हैं ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, तो मिक्स का कंपोजिशन वो कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, समझो। वो डिपेंड करता है आपका इंग्रेडिएंट क्या है, आपका दूध डाल रहे हो या पानी से आप वाटर का बना रहे हो, या दूध और पानी दोनों मिला रहे हो, उसमें क्या है स्टैंडर्ड देखना पड़ेगा कि टोटल। देखो आपको इतना देखना पड़ेगा कि हमको मिल्क मिल्क से कितना फैट मिला, समझो 10% आपको रखना हुआ तो 10% अगर आपको फ्रोजन डेजर्ट बना, फ्रोजन डेजर्ट का चाहिए या बटर मिल्क आइसक्रीम का चाहिए आपको कंपोजिशन? आइसक्रीम का चाहिए। तो आइसक्रीम, तो देखो आपको समझो 10% फैट का आपको आइसक्रीम बनाना है। हाँ जी। तो 10% फैट के लिए, और फिर आपका 100 किलो आपको बनाना है। हाँ जी। एक फॉर एग्जाम्पल के लिए जी। तो अगर 10% का, तो उसमें 10 केजी फैट चाहिए उसको। अभी हाँ आपको ये देखना पड़ेगा कि दूध से कितना फैट मिला, समझो 6% फैट का आपका दूध है जी, और अगर समझो आपका 60 लीटर दूध है, 60 लीटर दूध लिए हो, तो हाँ उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपका मिल्क फैट आप उसमें अप्रोक्सीमेटली 3.6 किलो मिल्क से फैट मिलेगा जी। बाकी जो समझो आपका जो 10% आपको मेंटेन करना है, बाकी 6.4% जो फैट रहेगा उसको या तो आपके पास क्रीम से आप उसको मैच कर सकते हो, या तो आप बटर, तो बटर से अगर 80% बटर है आपका, 80% फैट का बटर है, हाँ तो जी। 6.4 उसके लिए 8 किलो आपको बटर डालना पड़ेगा। अच्छा जी। तो अगर वो क्रीम आपका 40% है तो फिर आपको समझो 6.4 है, तो अगर आपका 50% का है क्रीम है तो आपको फिर 12.8 किलो क्रीम डालना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है कि आपके पास इंग्रेडिएंट कौन सा है, उसके ऊपर से कंपोजिशन निकाला जाता है। और अच्छा। इसी तरह से जैसे दूध दूध में आपने यूज किया, दूध में जनरली जो काउ मिल्क रहता है उसमें 6% फैट और 9% SNF रहता है। तो अगर आपका 9% SNF है, तो 9% SNF जो दूध से मिला ना, वो दूध समझो टोटल SNF आपको समझो 11% रखना है, तो आपको टोटल 2 किलो में मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, तो 11 kg SNF आपको मेंटेन करना है अपने बाइक में। अच्छा, तो उसमें कितना दूध से कितना SNF मिलता है, समझो 9% SNF है और समझो 70 लीटर आपका दूध है, तो उसमें से आपको 6.3 kg SNF दूध से मिलेगा, बाकी 11% टोटल आपको रखना है, तो उसमें 4.7 kg फैट SNF कम पड़ रहा है, तो उसके लिए SNP मेन सोर्स है। हाँ जी। जो SNP रहता है ना, उसमें 96% SNF रहता है, 96 जो अपना पाउडर आता है, अगर अच्छी क्वालिटी का पाउडर आप लेंगे, 34 या 35% प्रोटीन रहेगा, तो उसमें 96% SNF आता है, तो फिर वो 96% जो है, जो रिमेनिंग जो SNF है वो SNP से पूरा पड़े, तो SNP का कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद शुगर परसेंट कैलकुलेट करते हैं। शुगर परसेंट जनरली 15-16, कभी कोई कोई कहाँ कहीं से ज्यादा मीठा तो 17% तक रखते हैं जनरली। हाँ जी। तो 15-17% जनरली शुगर रखो, वो 15% समझो 100 किलो बनाना है तो आपका 15 किलो या 16 किलो शुगर हो गया।
बाकी जो स्टेबिलाईजर की क्वालिटी होती है वो जनरली 0.4 to 0.5% तक कोई यूज करते हैं। इस तरह से अपना कम बाकी रिमेनिंग जो बचता है 2 किलो में वो पानी का वाटर परसेंटेज हो जाता है। इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा हाँ ठीक है। और भी कोई सवाल हो तो? हाँ जी एक एक और क्वेश्चन था कि अभी जैसे आपने इतना सारा बताया तो ऑब्वियसली इस चीज के लिए एजुकेशन चाहिए होती है। इस चीज के लिए एजुकेशन चाहिए होती है तो हम आपसे एजुकेशन कैसे ले सकते हैं इस बारे में आइसक्रीम के बारे में? टाइम टू टाइम हम नहीं नहीं टाइम टू टाइम जितेंद्र चौधरी जी हैं तो हम लोग ऐसा वीडियो बनाते रहेंगे। जो कुछ पूछना है जो नॉलेज लेना है आप उनको बोलेंगे उसके ऊपर वीडियो बना के आपको नॉलेज दे देंगे तो आपको आराम से बैठे बैठे वहाँ नॉलेज मिल जाएगा। जी 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 हाँ तो आप उनको सजेस्ट करो कि मैं जो इस चीज का चीज है तो उसके ऊपर हम लोग वीडियो बना लेंगे उसका फायदा सबको हो जाएगा ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सब लोगों को उसका फायदा हो जाएगा ना। जी जितिन जी हमने ये जितिन जी इस करके स्टार्ट किया है भाई जो इनिशियल स्टेज पे भाई जैसे हैं किसी को कोई क्वेश्चन अभी कोई चीज समझ में नहीं आ रही या कोई क्वेश्चन करना है तो अब भाई पांडे जी हमारी इस चीज में हेल्प करते हैं और हम इनसे फिर अपना रेसिपी पूछ के भी अपने हमने एक चैनल बना रखा है आइसक्रीम वर्ल्ड विद जितेंद्र हमड़ा के नाम से तो वो यूट्यूब पे चैनल है हमारा उसमें हम ये सभी वीडियो फिर अपलोड करते हैं। बहुत सारी रेसिपी ऐसी हैं जो पांडे जी ने हमें बताई हुई है और हमने वो अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है। हाँ जी जी पूछिए और क्या पूछना चाह रहे हैं पूछिए। बस बाकी फिर सबका सेम ही सवाल होगा कि आप कसाटा कैसे बनाते हो बताओ सर। कसाटा में देखो कसाटा बनाने के लिए क्या रहता है आपको उसमें 2-3 लेयर चाहिए। 3 टाइप के आइसक्रीम बनाते हैं। हाँ जी। तो उसमें जनरली चॉकलेट लेते हैं टूटी फूटी और स्ट्रॉबेरी या वेनिला तो उसके लिए बॉल बनाना पड़ता है तो पहले 3 टाइप का बॉल आपको बनाना पड़ेगा। पहले टोटल तो समझो आपको पहले बॉल में आपको समझो आपने बीच का जो मतलब लेयर जो रहता है टूटी फूटी भर लिया फिर उसके बाद में आपने फिर उसको चॉकलेट भर लिया फिर उसने ऐसे मतलब 3 लेयर आपको भरना पड़ता है कसाटा के लिए और उसमें केक लगता है तो केक 2 टाइप के इग्लेस है या कसाटा में। कसाटा का मतलब होता है कि केक विथ आइसक्रीम। हाँ जी। तो आजकल लोग नान मतलब केक ही यूज करते हैं इसमें पहले तो नहीं मिलता था पर आजकल तो अवेलेबल है इग्लेस जो रहता है इग्लेस केक को यूज करते हैं तो जो नीचे जो टॉप पोर्शन उसका रहता है ना तो केक के नीचे हम लोग 3 टाइप के आइसक्रीम भरते हैं और उसके बाद उसको टॉपिंग करते हैं। हाँ जी। टॉपिंग करते हैं मतलब क्रीम से उसको कवरिंग करते हैं और उसके ऊपर से नट्स लगा देते हैं जैसे काजू कैसे नट हुआ बटर का कोई कोई बटर का चिक्की लगा देता है तो इस तरह से हम लोग कसाटा बनाते हैं। तो 3 लेयर के बाद आप क्रीम लगाते हो फिर केक लगाते हो या फिर क्रीम लगाने के बाद नट्स लगा देते हो? क्रीम जो रहता है ना बॉटम लेयर पे रहता है। अच्छा। आपका बॉल हुआ ना जो 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 बॉटम में रहेगा ना। हाँ जी। बॉटम में अपना वो रहता है केक रहता है और उसके ऊपर आइसक्रीम रहता है फिर उसके ऊपर जो तीसरा लेयर क्रीम का लेयर डाल के हम उसको टॉपिंग करते हैं क्रीम का और उसके बाद में उसको नट्स लगाते हैं। ओके। तो इस तरह से कसाटा बनता है। अच्छा जी ठीक है। थैंक यू सो मच रवि जी। थैंक यू। ठीक है जितेंद्र जी ठीक है। अपनी कौन सी आइसक्रीम फैक्ट्री है सर? एक्चुअली हमारी यहाँ पे न्यूजीलैंड में है तो आपके चैनल के दौरान यूट्यूब पे आए थे मैं तो आपका चैनल आया तो एकदम से कल ही मिला था आपका चैनल
और आज आपने सुबह वीडियो डाली और एकदम से आगे वीडियो तो मैंने ज्वाइन करने की सोची। तो हम लोग यहाँ पे न्यूजीलैंड में कर रहे हैं अभी। ओके, बहुत बढ़िया। तो अपनी, हाँ जी, तो जितना आप इंफॉर्मेशन शेयर करोगे उतने इंडस्ट्री के लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और हाँ जी, तो यही है। नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल, हम तो यही चाहते हैं सर, जिन लोगों को हेल्प नहीं मिल पाती वो, उनको हम किस तरह से हेल्प दे सकते हैं, हमारी तो कोशिश ये है। हाँ जी, हाँ जी। और बाकी चलो खैर, अच्छा लगा अपना जितिन जी की आप हमारे चैनल पे आए और अपना पांडे जी से भी सवाल जवाब किए आपने। हाँ जी, हाँ जी सर, चैनल को, चैनल में आपको आगे भी सारी जानकारियां मिलती रहेंगी भी, कहाँ कहाँ एग्जीबिशन है, कहाँ कहाँ आगे होने वाले हैं, वो भी सारी मिलती रहेंगी सर आगे। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी, अच्छी तो बात। अपना चैनल को सर सब्सक्राइब करके अपना देखते रहना सर। जरूर जरूर जरूर, हमारा मिलता है यहाँ पे कम है। और तो यहाँ पे वैसे अगर अगर एक क्वेश्चन और है, सॉरी आपको टाइम दे रहा हूँ, हमारे यहाँ पे मिल्क फैट 3.5% होता है, तो मैक्सिमम होता है, तो उसके लिए हमारे को क्या हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ताकि उसका जो बटर फैट है, जो आइसक्रीम का बटर फैट है, वो कैसे और इंक्रीज कर सकते हैं हम? नहीं, वो बटर अगर 3.5 का है तो बाकी हमको तो फाइनल प्रोडक्ट का देखना है ना। हाँ जी, तो समझो मिल्क से 3.5 मिला तो कोई बात नहीं है, तो 3.5 तो वो कैलकुलेशन, फिर बटर ज्यादा डालना पड़ेगा। अच्छा जी, टोटल मिल्क फैट अपने को टोटल मिल्क फैट तो कंट्रोल करना है, अगर समझो मिल्क में कम है तो उतना एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, ज्यादा डालना पड़ेगा। अच्छा जी, बटर जो बटर फैट है वो ज्यादा डालना पड़ेगा। अच्छा जी, ठीक है, चलो तो फैलो मिल्क, ठीक है सर, ठीक है जितिन जी, अपना दोबारा मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच। जी जी जी, जरूर जरूर जी जी जी, थैंक यू सर। ओके सर, ओके, थैंक यू। हाँ जी पांडे जी, अभी और कोई कुछ सवाल पूछना चाहता है, और कोई है कोई जो सवाल पूछना चाहे? नहीं पांडे जी, बस ये इतने ही लोग थे आज, और अपने इस सिलसिले को हम जारी रखेंगे, आगे भी हम अपने चैनल के द्वारा थोड़ा लोगों को हेल्प मिलती रहेगी, और जैसे आज थोड़ा सा दिक्कत हुई तो इसको हम आगे थोड़ा सुधारेंगे। सही बात, सही बात, ये बिल्कुल सही। ठीक है पांडे जी, थैंक यू, धन्यवाद। ओके सर, ओके, नमस्कार जी, थैंक यू जितेंद्र जी, रवि जी, ओके सर, वेलकम जी, ओके वेलकम, थैंक यू। अब कौन आया, देखते हैं किनको। हाँ जी अमित जी, आपने भी कुछ पूछना है? और आवाज नहीं आ रही अमित जी आपकी? नहीं सर, बस इसी में डाउट क्लियर करना था मैंने। अच्छा, यही डाउट क्लियर करना था। आप जो पांडे जी से पूछा उससे सेटिस्फाई हो? बिल्कुल सेटिस्फाइड हो, बिल्कुल सेटिस्फाइड, काफी काफी हेल्प मिली इसमें। जी 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 जी, चलो ठीक है सर, ठीक है, दोबारा मिलते हैं जी। ओके सर, ओके सर, ठीक है, थैंक यू, ठीक है सर, थैंक यू भाई जी, ओके जी, ओके ओके जी, ओके, गुड।